हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 27, 28, 29 एंड 30 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को समझेंगे। ये जो चार सेक्शन से हम बात करते हैं रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली पता ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर होता है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होता है, उनके बीच में कुछ कंसिडरेशन होता है और एक प्रॉमिस किया जाता है उसको परफॉर्म करने का एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। और ये जो एग्रीमेंट होता है ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये सारी चीज़ें हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताई गई हैं। अब साथ ही साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर हम थोड़ा सा और जाएँ तो हमें ये बताया गया है कि कब कब कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परफॉर्म नहीं किया जाता। तो मान लीजिए कि जो पार्टीज हैं जिनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर वो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये डिसाइड करती हैं कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना, तो फिर वो परफॉर्म नहीं होता। या फिर दोनों में से कोई भी पार्टी ब्रीच कर देती है कॉन्ट्रैक्ट का, अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करती, एक पार्टी परफॉर्म कर देती है, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं होता। या फिर फोर्स मजूरे होता है जिसके अंदर जो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिसके होने पर वो पार्टीज के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो उसको परफॉर्म ना करे, जैसे कि वो एक्ट ऑफ गॉड को डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे रिसीशन हो सकता है, जो ये अभी हमने समझा। रिसीशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी पार्टी जो है उसको मिसरिप्रेजेंट करती है किसी फैक्ट को, उस कारण से ये दूसरी पार्टी के पास राइट आ जाता है कि वो उसको ख़त्म करवा सके, टर्मिनेट या एनुअल करा सके, और वो बैक टू दैट पोजिशन जा सके जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले थे, तो उसी को हम रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। तो इस तरीके से या फिर जैसे फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब कि अब पॉसिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को करना, तो ये तरीके होते हैं जिससे कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परफॉर्म नहीं होता। तो उसमें से एक जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके अंदर जो रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमें यहाँ पे रिलीफ दिया गया है कि कब पार्टी रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है, किस तरीके से रिलीफ मांगा जा सकता है पार्टी के द्वारा। अब रिसीशन के अंदर क्या होता है कि टर्मिनेशन या एनुलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैंसलेशन होता है उनका। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी समझा था कि इन टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है रिसीशन या रेक्टिफिकेशन या कैंसिलेशन, जब हमने सेक्शन 26 को समझा था। रेक्टिफिकेशन के अंदर हम कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर चेंज करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, जो उसकी रियल इंटेंशन थी वो निकल के आनी चाहिए, रियल मीनिंग जो था उसका वो निकल के आना चाहिए, तो उसके अंदर रेक्टिफिकेशन होता है। रिसीशन के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को एनुलमेंट करते हैं या टर्मिनेट करते हैं, मतलब कि खत्म करते हैं एक तरीके से। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 26 के अंदर सेक्शन 27, 28, 29 और 30 में क्या दिया गया। आप अपने बेरेक को खोल लीजिए, हम बेरेक में से रीड करते हैं और समझते हैं कि इन सेक्शन के अंदर क्या दिया गया। तो सबसे पहले जो सेक्शन 27 है, व्हेन रिसीशन मे बी एडजर्ज और रिफ्यूज, कि कब जो रिसीशन है वो दिया जाएगा या फिर रिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 27 बोलता है कि सबसेक्शन 1, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पर्सन, अब यहां पे कौन बोला गया, एनी पर्सन, सिर्फ पार्टीज की बात नहीं हो रही, कोई भी व्यक्ति जो क्या है इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मे सू टू हैव इट रिसाइंडेड, वो क्या कर सकता है, सूट डाल सकता है उसको रिसाइंड करने का, टर्मिनेट करने का, खत्म करने का। एंड सच रिसीशन मे बी एडजर्ज बाय द कोर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेमली, और वो कोर्ट के द्वारा एडजर्ज किया जाएगा इन इन केसेस के अंदर, मतलब उसके ऊपर कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाएगा इन इन केसेस के अंदर, कौन से नेमली। सबसे पहले क्लॉज ए बताता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, जो कॉन्ट्रैक्ट वो प्लेंटिफ के द्वारा या तो वॉइडेबल है, मतलब उसके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उसको ना परफॉर्म करे, या फिर वो टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ है, ये दोनों कंडीशंस के अंदर ये रिलीफ मांगा जा सकता है। दूसरा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर द कॉज नॉन अपेरेंट ऑन द फेस एंड डिफेंडेंट इज मोर ब्लेम देन द प्लेंटिफ, की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है, अनलॉफुल दिखता नहीं है, फॉर द कॉज नॉन अपेरेंट ऑन हिज फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर ब्लेम देन द प्लेंटिफ, लेकिन वो अनलॉफुल है और उसके अंदर जो डिफेंडेंट है उसका ज्यादा ब्लेम है प्लेंटिफ से। इसके अंदर वो हिंदू विडो वाला बहुत कॉमन एग्जांपल है कि सब वही एग्जांपल सब जगह पर वही दिया जाता है कि हिंदू विडो होती है, उसको कहीं उसकी बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, तो वो उसका जिसकी वो क्लाइंट होती है, जिस एडवोकेट की, वो उससे वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो उसके ऊपर वो दिखता तो नहीं है अनलॉफुल है, लेकिन
लेकिन वो अनलॉफुल होता है क्योंकि वो उससे इस पर्पस के लिए खरीदता है ताकि उसको उसके जो लाइबिलिटीज है वो ना पे करनी पड़ी ना पे करनी पड़े उस प्रॉपर्टी में से, तो ये अनलॉफुल होता है, तो यहाँ पे उसको रिसीशन किया जा सकता है। अब यहाँ पे पार्टीज इंटरेस्टेड कौन है, वो जो जिनकी जिनका लोन लोन या फिर कोई भी अमाउंट पेंडिंग है सिंधु वीडियो के अगेंस्ट, तो वो भी ये केस डाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया था, सबसे पहले एनी पार्टी इंटरेस्टेड, कोई भी पार्टी जो इंटरेस्टेड है वो ये केस डाल सकती है, इंस्टीट्यूट कर सकती है रिसीशन के लिए। फिर सबसेक्शन टू क्या बोलता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन वन, की कोई भी चीज जो सबसेक्शन वन में दी गई है उसको छोड़ के द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया जाएगा। अब कब, वेयर द प्लेंटिव हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे प्लेंटिव ने एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली मतलब कि जाहिर करके बता के पूरी तरीके से या फिर अपने कंडक्ट से उसको रेटिफाई कर लिया, रेटिफाई मतलब कि उसने चेंज कर लिया, उसको करेक्ट कर लिया, तो अब फिर क्यों उसके अंदर रिसीशन करना है, तो फिर प्लेंटिव उसको जो है रिसाइन नहीं करा सकता, खत्म नहीं करा सकता। फिर दूसरा बताता है कि कब नहीं कराया जा सकता उसको रिसाइन, वेयर ओइंग टू द चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसिस, की जो सर्कमस्टांसिस है वो इतने चेंज हो गए, विच टेकन प्लेस इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और अभी जब आप इसको रिसाइन कराने आ रहे हो उस दौरान ये जो सर्कमस्टांसिस है ये चेंज हो गए, नॉट बीइंग ड्यू टू द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट हिमसेल्फ, लेकिन वो डिफेंडेंट के एक्ट के कारण ना हुए हों, द पार्टीज कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रिस्टोर्ड टू द पोजीशन इन व्हिच दे स्टूड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, जो पार्टीज हैं वो अब उस सेम पोजीशन के ऊपर नहीं लेके जाई जा सकती जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, क्योंकि रिसीशन के अंदर क्या होता है कि जो पार्टीज होती है उनको सेम पोजीशन के ऊपर लेके जाया जाता है जिस वक्त वो तो कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है उस वक्त। तो अब यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए कि उनको सेम पोजीशन पे लेके ही नहीं जाया जा सकता, तो फिर वहां पे इसको रिसाइन नहीं किया जाएगा। वेयर थर्ड पार्टी हैव ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर राइट्स इन द गुड फेथ विदाउट नोटिस एंड फॉर वैल्यू, कि कोई भी थर्ड पार्टी ने अब उसके अंदर अपना इंटरेस्ट ले लिया, और वो इंटरेस्ट कैसे लिया है, गुड फेथ के अंदर लिया, उसको नहीं पता था कि इसके अंदर ऐसी चीज है, किसी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो फिर अब ये जो है इसको रिसाइन नहीं किया जा सकता। और डी बताता है, वेयर ओनली अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी रिसाइंडेड, सच पार्टी इज नॉट सिवियरली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई पार्ट को सिर्फ रिसाइन करना था और वो पार्ट ऐसा नहीं है कि उसको बाकी सारी जो चीजें हैं उसके अंदर उससे उसको अलग किया जा सके, तो अगर ऐसी चीज है तो फिर उसको रिसाइन नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 27 के अंदर हमें यही बताया गया कि कब उसको रिसाइन किया जा सकता है और कोर्ट कब रिफ्यूज कर सकती है उसको रिसाइन ना करने से। अब आते हैं हम सेक्शन 28 के ऊपर। सेक्शन 28 हमें बताता है, रिसीशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ सर्कमस्टांसेस कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर रिसीशन की बात बता रहा है, कौन से, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन से, सेल या फिर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिकली ये सेक्शन दिया गया है, उसके अंदर रिसीशन की बात कर रहा है, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन डिक्रीड, और जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है कि यहाँ पे इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाए, जो हम पहले सेक्शन है उसके अंदर हमने उसके अंदर रिलीफ मांग चुके हैं और कोर्ट ये ऑर्डर कर चुका है उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसके बाद हम उसको रिसाइन करने के लिए कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं। तो सबसेक्शन वन बोलता है, वेयर इन एनी सूट अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन मेड, की डिक्री की जा चुकी है किसी सूट के अंदर, कौन से सूट के अंदर, सेल या फिर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वहां पे डिक्री दी जा चुकी है कोर्ट के द्वारा, एंड द परचेजर और लीजी डज नॉट, लेकिन जो उसके अंदर परचेजी है जिसने वो जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर जो लीजी है जो उसको लीज पे ले रहा है, डज नॉट विद इन द पीरियड अलाउड बाय द डिक्री, और जो पीरियड दिया गया डिक्री के अंदर उसके अंदर अंदर जो उसने पैसा देना था उसके रिगार्डिंग, और सच फॉर द पीरियड एज अ कोर्ट में अलाउ पे द परचेज मनी और अदर सम विच द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड हिम टू पे, कि कोई भी जो पैसा देना था परचेज के रिगार्डिंग या फिर लीज के रिगार्डिंग वो उसने टाइम पीरियड के अंदर वो पैसा पे नहीं करता, द वेंडर और लीजर में अप्लाई इन द सेम सूट इन विच द डिक्री इज मेड, तो उसी सूट के अंदर, अलग से सूट नहीं किया गया, उसी सूट के अंदर जो वेंडर था जो प्रॉपर्टी बेच रहा था या फिर जो लीजर था जो प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा था वो अप्लाई कर सकता है इस चीज के लिए टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड, कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा, एंड ऑन सच एप्लीकेशन द कोर्ट में, और जब ऐसी एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि ये इसको रिसाइन कर दिया जाए, तो कोर्ट जो है बाय ऑर्डर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट आइदर सो फार एज रिगार्ड्स द पार्टी इन डिफॉल्ट ऑल टूगेदर
एज जस्टिस ऑफ द केस में रिक्वायर, कि जो कोर्ट है वो उसको रिसाइन कर सकता है किस तरीके से, एज रिगार्ड द पार्टी इन डिफॉल्ट, की जो भी पार्टी डिफॉल्ट के अंदर है उसके रिगार्डिंग, या फिर ऑल टुगेदर पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वो रिसाइन कर देगा, जो भी जस्टिस के अंदर कोर्ट को ठीक लगेगा। तो सबसेक्शन 1 के अंदर ये बात बताई गई। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड अंडर सबसेक्शन 1। अब जब कोर्ट ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया सबसेक्शन 1 के हिसाब से, कि भाई वो दूसरी पार्टी अपने पार्ट को परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, वो पैसे ही नहीं दे रही थी, उसको बोला गया था कि 30 दिन में पैसे देने, उसने दिए ही नहीं, तो जो प्लेंटिफ था मतलब वेंडर था या फिर जो लीजर था उसने एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने उसको रिसाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, जो डिक्री थी उसको। तो अब जब ऐसा किया गया सबसेक्शन 1 के हिसाब से, अब कोर्ट क्या करेगा, क्लॉज ए के अंदर बोलता है शेल डायरेक्ट द परचेजर और द लीजी, कि जो भी परचेजर था, जो भी वो प्रॉपर्टी खरीद रहा था या फिर जो भी लीजी था जो उसको लीज पे ले रहा था, इफ ही हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि अगर वो प्रॉपर्टी का पोजेशन ले चुका है लेकिन अभी उसने पैसे नहीं दिया, वो रिसाइंड हो गया तो मतलब पैसे नहीं दिए उसने, ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू रिस्टोर सच पोजेशन टू द वेंडर और लीजर। तो कोर्ट क्या कहेगा, भाई अब आपने पोजेशन ले लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, मैंने इसको रिसाइन कर दिया, तो आपने जो पोजेशन लिया वो वापिस कर दो वेंडर या फिर लीजी को, लीजर को। एंड दूसरी चीज क्या डायरेक्शन दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, मे डायरेक्ट पेमेंट टू द वेंडर और लीजर ऑफ ऑल द रेंट्स एंड प्रॉफिट, की वो डायरेक्शन दे सकता है कि जो भी उस प्रॉपर्टी में से रेंट या फिर प्रॉफिट है, विच हैव एक्रूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑन विच द पोजेशन वाज सो ऑब्टेन बाय द परचेजर, कि जिस भी दिन उस परचेजर ने उसका पोजेशन लिया प्रॉपर्टी का, या फिर लीजर ने उस लीजी ने उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया, तो उस दिन से अगर कोई भी प्रॉफिट एक्रू हुआ, कोई भी रेंट एक्रू हुआ, तो वो लीजर या फिर वेंडर को पे कर दिया जाए उसके द्वारा। तो कोर्ट ऐसी डायरेक्शन दे सकता है, अंटिल रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन टू द वेंडर और लीजर, एंड इफ द जस्टिस ऑफ द केस रिक्वायर्स अ रिफंड ऑफ एनी सम पेड बाय द वेंडी और लीजी एज अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कोई अर्नेस्ट मनी थी तो वो भी वापिस कर दी जाए लीजी या वेंडी को। उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, कि क्या डायरेक्शन और दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, इफ द परचेजर इफ द परचेजी और लीजी, मतलब जो भी खरीदने वाला था या फिर जो भी उसको लीज पे ले रहा था, पेज द परचेज मनी और अदर सम विच इज ऑर्डर टू पे अंडर द डिक्री विद इन द पीरियड रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, की भाई जितना भी उनको अमाउंट बोला गया था सबसेक्शन 1 के हिसाब से वो उतने पीरियड के अंदर पे कर देते हैं परचेजी या लीजी। द कोर्ट मे ऑन एप्लीकेशन मेड इन द सेम सूट, तो कोर्ट उसी सूट के अंदर एप्लीकेशन लगाने पे अवार्ड द परचेजर और लीजी सच फर्दर रिलीफ एज ही मे एंटाइटल टू, इंक्लूडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस और ऑन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रिलीफ्स, नेमली कि उनको ये रिलीफ दिए जा सकते हैं कौन से, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वेंस और लीज बाय द वेंडर और लीजर, कि भाई उसने तो पैसे दे दिए तो फिर जो भी कन्वेंस या फिर जो भी लीज थी उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए वेंडर या फिर लीजी के द्वारा, लीजर के द्वारा, या फिर उनको क्या रिलीफ मिल सकता है, भाई उन्होंने तो अपने टाइम पे पैसे दे दिए जो बोला गया था उसके अंदर। दूसरा रिलीफ क्या मिल सकता है उनको, बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन और पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कन्वेंस और लीज, कि भाई जो भी जब उस लीज या फिर उस कन्वेंस को, कन्वेंस मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब भी पूरा कराया जाए तो उसके अंदर उस प्रॉपर्टी का पोजेशन मिले जिसके रिगार्डिंग भी वो कन्वेंस या लीज थी। फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 बोलता है नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ विच मे बी क्लेम्ड अंडर दिस सेक्शन शैल लाई एट द इंस्टेंस ऑफ द वेंडर परचेजर लीजर और लीजी एज द केस में, इसके लिए कोई सेपरेट सूट नहीं किया जाएगा, जिस सूट के अंदर डिक्री दी गई थी उसी के अंदर एप्लीकेशन लगाई जाएगी, कोई भी सेपरेट सूट लीजर लीजी परचेजर वेंडर वेंडी किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, तो जो भी कॉस्ट होगी वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगी सूट के अंदर। तो ये सेक्शन 28 के अंदर दिया गया। फिर सेक्शन 29 क्या बोलता है, वो बोलता है अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि आपने क्या किया कोर्ट में जब आपने अपना सूट इंस्टीट्यूट किया, आपने कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी कि मेरे को ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए कि इसको इस तरीके से परफॉर्म करवाया जाए, लेकिन आपने क्या किया साथ में कोर्ट से ये रिलीफ भी मांग लिया कि अगर इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हुई तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा दिया जाए, रिसाइन करा दिया जाए, तो फिर ये परफॉर्म नहीं होगा। तो आप इस तरीके का रिलीफ मांग सकते हैं सेक्शन 28 के अंदर, 29 के अंदर। क्या बोलता है प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जब प्लेंटिफ अपना सूट पर इंस्टीट्यूट कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, इन राइटिंग मे प्रे इन अल्टरनेटिव दैट, तो वो अल्टरनेटिव प्रेयर क्या मांग सकता है कोर्ट से, दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो पाया, इट मे बी रिसाइंडेड एंड डिलीवर अप टू बी कैंसल, तो उसको
रिसाइंड कर दिया जाए और कैंसल बोल दिया जाए. एंड द कोर्ट इफ इट रिफ्यूजेस टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली, और कोर्ट अगर उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स करने के लिए रिफ्यूज कर देता है, मे डायरेक्टेड टू बी रिसाइंड एंड डिलीवर्ड अप अकॉर्डिंगली, तो उसको वो रिसाइंड करने के लिए बोल दे. सेक्शन 29 में एक तरीके से जो ये हमारा रिसीशन होता है उसको एज अल्टरनेटिव रिलीफ बोला गया कि आप एज अल्टरनेटिव रिलीफ मांग सकते हो, कि अगर आप स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा पाए तो आप कोर्ट से रिलीफ मांग सकते हो कि उसको रिसाइंड कर दिया जाए. फिर सेक्शन 30 बोलता है कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसाइडिंग टू डू इक्विटी. तो जो भी कोर्ट ये चाहेगा कि जो भी जब भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो, खत्म हो, मतलब कि तो एक तरीके से उसके अंदर इक्विटी हो, पार्टीज सेम अपनी सिचुएशन के ऊपर पहुंच जाए जिसके ऊपर वो पहले थी, किसी भी के साथ भी ना इंसाफी ना हो, जो भी उनके बीच में था इक्विटी हो. अब क्या बोलता है, ऑन एडजजिंग द रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जब भी ऐसा रिसीशन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ ग्रांटेड टू रीस्टोर सो फार एज मे बी, तो जिसके भी वो रिलीफ मिला रिसीशन का, उस पार्टी से कोर्ट क्या चाहेगा कि वो रीस्टोर कर दे सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी, कि अगर कोई भी बेनिफिट उसने दूसरी पार्टी से लिया है तो वो वापस कर दे. एंड टू मेक एनी कंपनसेशन टू हिम विच जस्टिस में रिक्वायर, और अगर कोर्ट को ये भी लगता है कि कोई कंपनसेशन भी पे किया जाना चाहिए, इस वजह से उस व्यक्ति को नुकसान भी हुआ है, उस वजह से जस्टिस होगी वो कंपनसेशन पे करने से, तो कोर्ट ये भी कर सकता है कि उसको कंपनसेशन भी दिलाया जाए. मतलब एक तरीके से इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो होगा कि किसी भी पार्टी के साथ गलत ना हो इस रिसीशन की वजह से. अगर इसको रिसीशन किया जाता है, रिसाइंड किया जाता है, तो इस वजह से दोनों में से किसी भी पार्टी के साथ कुछ भी गलत ना हो, इनजस्टिस ना हो. तो ये सेक्शन 30 हमें बोलता है, कोई भी बेनिफिट लिया तो वो बेनिफिट, अब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया, आपने तो दूसरी पार्टी को अपना बेनिफिट दिया नहीं, आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए आपने उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, तो यहाँ इक्विटी के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको उसको वापस देना है, या फिर आपने पैसे दे दिए उसने आपको प्रॉपर्टी नहीं दी, तो इक्विटी प्रिंसिपल के हिसाब से उसने आपको पैसे वापस देने हैं, तो यही इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है. तो सेक्शन 30 के अंदर कोर्ट ये ध्यान रखेगा कि पार्टीज के बीच में इक्विटी हो. तो ये हमने रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 27, 28, 29 और 30 समझा. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे.